कहाँ है ओम रे? ओम कहाँ है? हिमांशु उसको फोन करो, हिमांशु हाँ सर, फोन करो उसको। आज मैं आगे बढ़ने वाला हूं तो क्या मैं यह समझूं कि आप लोग को डिफरेंशिएशंस के बेसिक चीजें क्लियर हो गई हैं? क्या गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? रिप्लाई करिए सभी लोग। यस सर। चल अनुष्का, उसको नहीं कॉल की, वो नहीं आई। यस सर, कर रही हूँ उसको। सुनो मेरी बात सुनो, अब एकदम बेसिक से समझ रहे हैं कुछ बातें हैं, आगे अब एप्लीकेशन सीखेंगे आज, इसलिए भी कंसर्न है। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सपोज मान लिया हम लोग इसको बोलते हैं बेटा dy by dx, dy by dx को बोलते हैं। देखिए यहाँ पे पावर कितना है, y d पे पावर कितना है, यहाँ पे d पे पावर कितना है? वन। कितना है? वन। इसको क्या कहते हैं? जितना पावर उतना ऑर्डर, जितना पावर उतना ऑर्डर। कितना पावर है इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन मतलब एक बार, वन टाइम डिफरेंशिएशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, मीनिंग है वन टाइम डिफरेंशिएशन। अब आगे देखिए, यहां पे बताइए कितना पावर है, पावर कितना है जल्दी बोलिए। टू। इसको क्या बोलेंगे? कितने ऑर्डर डिफरेंशिएशन है? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सेकेंड ऑर्डर का मतलब दो बार डिफरेंशिएशन। सेकेंड ऑर्डर मतलब दो बार डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोलेंगे? कितने ऑर्डर? ये क्या है? ये क्या है? थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। चलिए मैं रफ करूं। यस सर। समझिए ना, मेरी बात एकदम कंसेंट। अब आ गए हम एप्लीकेशन में, अब डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन मतलब फिजिक्स में क्या यूज होगा या पढ़ने जा रहे हैं इसका। अच्छा, इसको आपने क्या बोला? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बोला? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर बेटा। Yes, sir. तो क्या बोला आपने? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ए बेटा सेकेंड, रुक जाइए, अब यहां पे थोड़ा रुकना होगा। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑर्डर का मीनिंग क्या है? दो बार डिफरेंसिस। दो बार मतलब फर्स्ट बार ये हो गया, फिर इसको डिफरेंस। इसको देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान दो कैसे लिखेंगे। इसको क्या करते हैं? डिफरेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन किसको? फर्स्ट ऑर्डर। ये बात समझ में आ रहा है? जो फर्स्ट ऑर्डर था उसको हमने डिफरेंशिएट किए तो कितना आया? सेकेंड। मेरी बात समझ में आ रही है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को ही हमने
सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आया? सेकेंड ऑर्डर. समझ में आया? नहीं आया. भूल जाओ. देखिए यह हमारा डिफ्रेंशिएशन था. इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर, इसको हम क्या पढ़ते हैं बताइए, इसको हम क्या पढ़ते हैं? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट, समझ में आ रहा है? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, क्लियर या नहीं क्लियर? क्लियर. डिफ्रेंशिएट, अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना, इसको डिफ्रेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू, क्या होगा? क्या इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, हाँ या ना? यस सर. देखिए तो ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, या इस एक बार डिफ्रेंशिएट था, नाउ इसको अगेन डिफ्रेंशिएट किए तो दो बार डिफ्रेंशिएट हुआ, इसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएट. अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है किसको, या तो इसको आप कर लो या इसको कर लो. बात समझ में आ रही है क्या? तीन बार डिफ्रेंशिएट करना, कितना बार? कितना बार? थ्री टाइम्स. तो कैसे होगा? देखो देखो बाद में लिखना. देखो मेरी बात समझो, इधर ध्यान दो, मेरी इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो. यह एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ था, आया ना? इसको आपने क्या बोला था? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस बोला था ना बेटा? यस सर. अब देखिए यह फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन था, अब उसको अगेन फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन को फिर से डिफरेंशिएट किया, यह हो गया सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन. समझ में आया? यस सर. अब फिर इसको डिफरेंस, जो सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किए थे फिर उसको हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या हुआ? क्या हुआ? थर्ड टाइम डिफरेंस. देखो तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो तो हम कैसे लिखेंगे, देखो तो इसको एक साथ ले लेंगे, क्या आएगा? इसको हम ऐसे लिख सकते, इसको हम ऐसे लिख सकते, इस दोनों को ऐसे लिखेंगे. देखो यहां पे लिखे हैं, समझ में आया? नहीं आया? यस सर. और फिर तीनों को हम कैसे लिखेंगे, क्या समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अब ये तीनों को हमने बचा. यस सर. नहीं आएगा तो नहीं बोलना, नहीं समझ में आएगा तो नहीं बोलना. क्या मैं रब करूं? यस सर. अब कुछ एग्जांपल देकर बता रहा हूं, रब कर दू ना बेटा, रब कर दू ना बेटा. यस सर. यस सर. समझ में आ रहा है ना सबको या नहीं? मानसु पाठक, ओम निहार, देखे तो y equal to x raise power 3 है. क्या है ऊपर दिख रहा है बोर्ड पे? बोर्ड दिख रहा है क्लियर? यस सर. यस सर. देखिए अब इसको हम थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करते हैं, ला लीजिए. अब फर्स्ट ऑर्डर dy dx, क्लियर है? क्या क्लियर है? यस सर. यहां पे y आएगा, ध्यान दो, लिखो मत अभी, y डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. Y equal to how much? Y equal to how much? X cube. Y के प्लेस पे लिखेंगे. क्लियर है? क्लियर है? Yes sir. Power. Power. Power कितना है? Three. Power क्या होगा? Multiply. Multiply. Power में से one minus. One subtract.
और x को डिफरेंशिएट कितना आएगा? 3x square. क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? हाँ सर। मतलब मीनिंग dy by dx कितना आ गया? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. Yes, sir. Again differentiate करना है, मतलब second order, ध्यान दो। देखो तो second order ऐसे ही लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? क्या यह clear आ रहा है? मतलब first order को again differentiate कर दो तो वह second order हो जाए, clear है? Yes, sir. First order यही है? Yes. First order का वैल्यू क्या है? 3x. तो देखो तो देखो तो देखो तो dy by dx के प्लेस पे क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो। 3x square. क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? सच सच बोलना, सही से बोलना। Yes sir. Yes sir. सभी बच्चे क्लियर हैं कि नहीं? Yes sir. अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जल्दी बोलिए। 6x. 3 कांस्टेंट, कान पकड़ कर बाहर। कितना का डिफरेंशिएशन? कितना है ना? 2x. देखो तो होगा। Yes, sir. Yes. X by dx. तो देखो तो क्या है? कितने बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है? ये बताओ। कितने बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है? ये बताओ। Sir. कितने बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है? Sir. बोलिए पूर्वा बोलिए। वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन फिर से बताएंगे? हाँ एकदम बता, क्यों नहीं बताएंगे बेटा, लिख लो, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये मत बोलो कि बताएंगे, बताइए, बस ये बोलो, मुझे ये पसंद है। लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। बढ़ूं सर, 2 मिनट्स। मुझे नीट एंड क्लीन कंसेप्ट होना चाहिए, बस यही पता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता है। आपको नीट एंड क्लीन समझ में आना चाहिए। क्या मैं रफ करूं? यस सर। किसे सेकंड टर्म किसे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है बेटा? उसको दो बार डिफरेंशिएट करना, किसको करना? तो देखिए तो क्या है? इसको अगेन डिफरेंशिएट करना। ये बात समझ में आ रहा है बेटा? हाँ या ना? यस सर। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना इक्वल टू कितना है? क्लियर? यस सर। क्लियर? विनीत बेटा, विनीत आवाज आ रही है मेरी? विनीत आवाज आ रही है? आज का लेक्चर अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इस लेक्चर में मत आइए। आप मेरे को कॉल करिए, आप मेरे से एक्स्ट्रा लेक्चर लीजिए, क्योंकि यह आगे निकल गया है लेक्चर।
आप एक्स्ट्रा टाइम लेकर मेरे से लेक्चर अटेंड कर ले लीजिए, तब समझ में आएगा। क्लियर है ना? बीच में लेक्चर नहीं समझ में आएगा। चलिए, थ्री है, थ्री को कॉन्स्टेंट। समझ में आया पूर्वा? यस सर। बचा क्या? क्लियर? यस सर। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जल्दी बोलो। क्लियर है? यस सर। कितना आएगा dx by dx? कैंसिल। कितना आएगा? 6x। क्लियर है? हाँ या ना? 6x कितना इक्वल टू आ गया? इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? यस सर। हिमांशु पाठक, प्रतीक। यस सर। क्या समझ में आया? सर। हाँ सर। सभी बच्चे को निनाद। हाँ सर। निनाद ओम, निनाद ओम। आदित्य, 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 आपकी आवाज नहीं आ रही अब बेटा। आदित्य आपकी आवाज नहीं आ रही पहले जैसा। हेलो 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 आगे बढ़े, रख करूं? यस सर। यस देखिए क्या है आपका, कितना आया, कितना आया था? 6x। अब अगेन डिफरेंशिएट करना है थर्ड ऑर्डर, कितना आएगा? यही थर्ड ऑर्डर होगा ऐसे ही चले होगा नहीं होगा? यस सर। इतना इक्वल टू कितना है? 6x। 6 को कान पकड़कर क्या बच गया? समझ में आया? यस सर। यस सर। थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या आ गया? समझ में आया नहीं आया? यस सर समझा। यस। अगर फर्स्ट ऑर्डर पूछे तो क्या करोगे? फोर्थ ऑर्डर मान लो सर जीरो आंसर आएगा। क्या आएगा? जीरो। गुड गुड गुड। क्यों जीरो आएगा बेटा? सर क्योंकि थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है और सिक्स क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। इसको क्या लिखेंगे? लिखे जल्दी लिखे। अच्छा अनुष्का कोठावले, अनुष्का कोठावले आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर। व्हाट इज द सेवेंथ ऑर्डर डिफरेंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेवेंथ ऑर्डर डिफरेंशिएशन? जीरो। गुड। अब फोर के बाद अब कितना भी ऑर्डर ले लो उसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या होगा? जीरो। डिफरेंशिएशन तो जीरो ही होते जाएगा ना बेटा। क्लियर हुआ? हाँ सर। क्या आप लोग लिख लिए यहाँ तक? यस सर। मैं yes, आगे बढ़ू? यस सर। चल 640। यस सर। बेटा समझ में आ रहा है? नहीं। हाँ सर समझ में आ रहा है। झूठ नहीं, पक्का ना? यस सर। फाइंड
क्या आपसे बनेगा? यस सर। यस सर। फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, ट्राई करोगे? करिए तो जल्दी करिए सभी लोग ना। आदित्या, निनाद, ओम प्रतीक, सर जीरो। नहीं बेटा जीरो तो नहीं आएगा, ये तो मुझे पता है। सर वो एक्स रेस टू वन है क्या? नहीं रे भाई, वन ऐसे लिखा जाता है क्या? हाँ, जब यह वन है तो यह क्या है? हाँ, अब समझ में आया कि अभी भी दिक्कत है? आए आवाज जा रही है? हाँ सर। कितना है एक्स एस टू? सर आ गया आंसर। कितना है सर? 504 इंटू एक्स रेस टू 6। अंता और बच्चा श्रुति, श्रुति आई है कि नहीं? श्रुति नहीं आई है? कितना होगा सर? 6x^5। कितना आएगा बताइए तुम? क्या मैं सही लिखा हूँ? डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ? हाँ सर। क्या सभी बच्चे को समझ में आएगा? यस सर। यस सर। क्या मैं सही लिखा हूं? समझ में आ रहा है बच्चों को कि नहीं? सर। निनाद बेटा आपका रिप्लाई नहीं आ रहा बेटा, मैं खुश नहीं हूं। निनाद रिप्लाई करो बेटा, कितना आएगा? सही लिखा हूं क्या? यस सर। कितना आएगा? 504। सातुना की 14 749। 504 D3y/dx³ हमें क्या निकालना है? कितना निकालना है? 3024x^5 आएगा। हाँ, क्योंकि 4 टाइम्स निकाला है ना। रफ करूं ऊपर का? ऊपर का रफ करूं? ऊपर का रफ करूं? यस। yes.
क्या वैल्यू आया? अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, कितना आएगा बेटा? समझ में आ रहा है ना? यस सर। यह आया है आप लोग का? यस सर। यस सर। गुड। क्या सभी बच्चे का आया है सर? वो 30,000 होगा ना? 30,024 कैसे आएगा बेटा सर? एक और जीरो कैसे आप डाल रहे हैं बताइए? 500 4 × 6 कैसे 30 आ जाएगा? क्लियर हुआ? रफ करूं? यस सर। चलिए कुछ क्वेश्चन लिखे तो बनेगा आपसे क्या? बनाइए, तीनों क्वेश्चन बने तो जल्दी फटाक से जल्दी जल्दी बनाइए। बन रहा है बेटा? यस सर। विनीत बेटा आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आप मेरे को कॉल करिए और आप एक्स्ट्रा लेक्चर ले लीजिए मेरे से, क्योंकि जो बच्चे नए हैं उनको समझ में नहीं आएगा। जो जो नए बच्चे हैं वो एक्स्ट्रा लेक्चर ले मेरे से, तब समझ में आएगा। हुआ है सर?
हुआ? यस सर। फर्स्ट हो गया सर, तीनों हो गए। अरे वाह, बता दूं? सर हो गए। गुड, और बच्चों का? और बच्चों का? चलिए बता रहा हूं क्या होगा। डीवाई बाई डी एक्स, जल्दी बोल, बोलते चलो, अब मैं फटाफट करूंगा। ठीक है? यस सर। नए बच्चे हैं वही बोलेंगे, क्योंकि दिक्कत आएगी तो बोल दे रहा है तुरंत। कॉन्स्टेंट कान पकड़ कर बोलो रे बच्चा, कॉन्सेंट का कान पकड़ के बाहर, बचा क्या? यार ये सब तो कुछ बोलता ही नहीं, इसी पे मेरे को गुस्सा आता है। और कॉन्सेंट का डिफरेंशिएशन जीरो 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 कितना आ जाएगा? इतना का डिफरेंशिएशन मैं लिख रहा हूं, बाद में मत बोलना कि पढ़ने से नहीं समझ में आया। ये क्लियर हो नहीं क्लियर हो? यस सर। Yes. सही है, कितना आ गया? फर्स्ट ऑर्डर निकल गया, डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। जल्दी करो, क्या मैं रफ करूं? यस सर। सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर कैसे निकलेगा? क्या नए बच्चों को समझ में आ रहा है? ओम, क्या ओम समझ में आ रहा है आपको? यस निनाद, निनाद क्लियर है सभी लोग कि नहीं? यस सर। यस सर। कितना आएगा? कितना आ जाएगा? सही लिखा हूं ना? यस सही है ना? क्या निकालना है? थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर रब करूं? यस सर। यस सर। ऊपर का थर्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा? जो बच गया ना सिर्फ दो, उसको बना लेना, जिससे नहीं बना वो बना लेना।
कितना आएगा? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। 18 बार कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, क्या आ गया? 18। सिंपल। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। एक काम करते हैं, देखेंगे तो मंडे से जूम के बजाय हम गूगल मीट पे करेंगे, ठीक है ना? तेरी तरह अच्छा हो रहा है ना? अच्छा, जूम पे अच्छा हो रहा है? यस सर। हाँ सर। यस सर। अच्छा, गूगल मीट पे खराब होता है सर? सर उसकी